सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिवर्ब इफेक्ट के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे हम रिवर्ब का यूज़ कैसे कर सकते हैं हमारे मिक्सिंग टेक्निक पर या बोल सकते हैं आपकी ट्रांजिशन टेक्निक पर। यदि आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आप बिगिनर डीजे हैं तो इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे जो हमारे रिवर्ब इफेक्ट है हम उसे अलग अलग प्रकार से कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे इंडस्ट्रियल पर आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए जिससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास मेरा कंट्रोलर है और यहाँ पर हम आपको देखने को मिलता है इफेक्ट पैनल। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं आपका सॉफ्टवेयर पर, यहाँ मेरे पास रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर है। आपका कोई और सॉफ्टवेयर है तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं बहुत सारे इफेक्ट। आप रिवर्ब पर क्लिक कर देंगे और आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैं कंट्रोलर से बढ़ाता हूँ तो यहाँ हमारे पास लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ से भी राउंड अप में हम लेवल को सेट कर सकते हैं, 75% या 90% या आप कर सकते हैं 50%, 25% या 10%। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको यहाँ से करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि आपको इस तरह का कंट्रोलर है और आपके पास पैड्स हैं, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं होटक्यू है, यहाँ पर पैड एक्स पर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिवर्ब का ऑप्शन फिर से यहाँ पर देखने को मिलता है। आप जैसे कि यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर 50% रिवर्ब आपको एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब कि आपके पास एग्जैक्टली 50, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो 50% रिवर्ब आपका लग जाएगा, ठीक है। सो गाइस, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा रिवर्ब इफेक्ट हम उसे यूज करते हैं सॉन्ग पर लगा के देखते हैं किस तरह का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्ले करता हूं सॉन्ग को, ठीक है। अब मैं रिवर्ब इफेक्ट लगा रहा हूं, देखेगा। देख सकते हैं कुछ आपको इस तरह का आपको रिवर्ब देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो सॉन्ग है हम उसे प्ले करेंगे, पहले बिना रिवर्ब के प्ले करके देखेंगे, हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रिवर्ब इफेक्ट है हम उसका यूज़ करेंगे। तो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है आप खुद ही देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम सॉन्ग को प्ले करते हैं बिना रिवर्ब के, ठीक है। तो कुछ तो पहले हम रिवर्ब का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका नॉर्मल ड्रॉप है वही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बट इसकी जगह आप रिवर्ब का यूज़ करेंगे, आप हाई पास फिल्टर यूज़ करेंगे, तो मुझे लगता है इससे बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम प्ले करते हैं सॉन्ग को, देखिएगा आप। प्ले करता हूँ मैं, अब मैं रिवर्ब लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम रिवर्ब बढ़ाते जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा हाई पास फिल्टर हम इसे लगाएंगे, ठीक है। कुछ एक प्रकार से आप इस तरह से आप प्ले कर सकते हैं, एक हाइप बनाने के लिए आपको सॉन्ग को, जिससे आपकी क्राउड को अच्छा लगे, वह अच्छे से डांस कर सके। तो इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं रिवर्ब का। इसके अलावा भी हम रिवर्ब का यूज़ और भी बहुत जगह कर सकते हैं, हम मिक्सिंग पर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए हम पहले बिना रिवर्ब के मिक्स करेंगे सॉन्ग को किसी भी, और उसके बाद हम रिवर्ब को ऐड करेंगे। मुझे लगता है उससे आपको और अच्छा बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो चलिए हम प्ले करते हैं सॉन्ग को। पेडर को हम नीचे जाएंगे धीरे धीरे, तो आप कुछ इस तरह से बिना रिवर्ब के यूज़ करते हैं, आप मिक्स करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिवर्ब को ऐड करेंगे। मुझे लगता है आप देखेगा इससे अच्छा एक्सपीरियंस देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और रिवर्ब के साथ हम हाई पास फिल्टर को भी यूज़ करेंगे, देखेगा।
कुछ आप इस तरह से आप रिवर्ब के साथ हाई पास फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा देखने में और सुनने में। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करते हैं, एक और चीज़ है जिससे मुझे लगता है आपके लिए बहुत बेनिफिट है, आप उसका यूज़ करते हैं तो और अच्छा आपको मिक्स करने को मिलता है और अच्छा आपको क्राउड के लिए बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो मैं बताता हूँ आपको, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास रिवर्ब है, हम यहाँ पर अब इको भी ऐड करेंगे। तो यहाँ हम इको पर क्लिक करते हैं तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ लेवल है, यह हमारे पास बीट्स है। ठीक है, यदि आपको उसको डिटेल में जानना है तो मैंने इसके लिए अलग से ही वीडियो बना दिया है, तो आप जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ समझाया, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर है और मैंने टैग भी कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब इको को यूज़ करेंगे। ठीक है, वो जैसे कि आपको मैंने बताया था पेडेक्स पर यहाँ पर रिवर्ब है तो रिवर्ब को यूज़ करेंगे और साथ में हम हाई पास फिल्टर को भी यूज़ करेंगे। तो चलिए हम प्ले करते हैं सॉन्ग को। ठीक है, लास्ट के 4 बीट पर हम इको को भी ऐड करेंगे। तो कुछ आप इस तरह से अलग अलग प्रकार से आप अपने इको, रिवर्ब या हाई पास फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं और हम बैक स्पिन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं हमारे रिवर्ब को। इसके अलावा हम और भी प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि हमारा यह चैनल पर सॉन्ग चल रहा है बेसिकली। ठीक है, और जो हम दूसरा सॉन्ग आने वाला है वह वोकल से स्टार्ट हो रहा है, आपको मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है या आप जेनर चेंज कर रहे हैं, तो उस पर भी आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप रिवर्ब को यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर 50% रिवर्ब ले रखा है। इसके अलावा जो हमारा हाई पास फिल्टर है हम उसे यूज़ कर सकते हैं, वो साथ में हम जो हमारा 1/2 बीट का इको है हम उसे यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ और जो हमें सॉन्ग मिक्स करना है हमें यह वाला करना है। ठीक है, क्योंकि यह वोकल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से तो हम क्या करते हैं, हम सॉन्ग को प्ले करते हैं और देखना आप क्या होगा। रिवर्ब लगा रहा हूँ मैं, तो हमारी यहाँ कितनी बीट हो जाएगी, 16 बीट हो जाएगी। अब हम लगाते हैं हाई पास फिल्टर, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो सॉन्ग है आप जैसे कि हमारी वोकल से स्टार्ट हो रही थी, तो आप क्या करेंगे रिवर्ब का ऐड करके आप यहाँ पर दूसरा सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। यह भी एक बेस्ट तरीका है। इसके अलावा आपको हिंदी सॉन्ग पर आपको मिक्स होते हुए देखना है या आपको बहुत सारे ऐसे हवर्स देखने हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कहाँ कहाँ मैंने यूज़ किए हैं, तो आप मेरी यह वाली वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने अलग अलग प्रकार से ट्रांजिशन पर यूज़ किया है रिवर्ब को, इको को या हमारे हाई पास फिल्टर को। तो मुझे लगता है यह आपके लिए बहुत सारे बेस्ट एग्जाम्पल होंगे जिससे आप और भी बहुत कुछ चीज़ सीख पाएंगे। तो मुझे लगता है आप भी सीखिए और आप प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, जिससे आपको ही फायदा होने वाला है आपकी मिक्सिंग पर, आपकी ट्रांजिशन की टेक्निक पर। सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। इसके अलावा यदि आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू।